हाय मेरे एसटीटी और सीटेट बीटेट के साथियों और बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों, एक्चुअली आज मैं इसलिए के चर्चा करने आया हूं, मैं इसलिए के बोलने आया हूं और जो वस्तु स्थिति अभी वर्तमान में निकल के आया है, आप देख रहे हैं कि पूरा गहमा गहमी का माहौल है पूरा बिहार में और पूरे बिहार में, खास करके शिक्षा विभाग में। और जिस तरह से बीपीएससी लगातार ये बात बोल रही है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, मैं आपको बता दूं साथियों, एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा भी लें, एग्ज़ाम कंडक्ट अगर बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा भी लें तो ये बहाली कंप्लीट नहीं होगी, खास करके 1-5 की तो एकदम नहीं होगी और 6-8 में तो इन्होंने सीट ही नहीं दिया। इस बात को समझिए, इस बात को इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में SLP राजस्थान हाईकोर्ट का 18 से चल रहा था मामला और इस मामला को आप लोग जान रहे थे, बिहार सरकार जान रही थी, लेकिन बिहार सरकार ने इसके उलट में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, 6-8 में सीट नहीं दिया और एस्टेट 19 वाले के साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया। इस बात को समझिए, आज सुपर टेट के नाम पे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से इन्होंने रिकॉल नोटिफिकेशन के नाम पे पूरा फॉर्म भरवाया और पूरे इंडिया लेवल से इन्होंने फॉर्म का ऑप्शन खोल दिया। इस बात को समझिए, बहाली इनको करना ही नहीं था, बहाली अगर इनको करना रहता ना तो जिस तरह से 19 से लगातार अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे कि नियोजन कीजिए, नियुक्ति कीजिए और नियोजन नियुक्ति की बात इन्होंने की थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इनको नौकरी देना ही नहीं है। साथियों, महागठबंधन का भी स्टैंड एकदम क्लियर है, नौकरी ये लोग नहीं देंगे, इस बात को समझ लीजिए। और बिहार के अंदर में खास करके नीतीश कुमार जी जिस भी पार्टी में रहेंगे, इस बात को समझ लीजिए, उनका नौकरी देने का उद्देश्य नहीं है, इनके आला अधिकारी सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन के बिहाफ पे रौद्र रूप दिखाएंगे, अभ्यर्थियों को गुमराह करेंगे और लगातार अभ्यर्थी साल दर साल ऐसे ही चक्की में पिसते चले जाएंगे। एसटेट 23 भी ये जो ले रहे हैं, नौकरी देने के लिए नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बेरोजगारों की फौज को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। आज एसटेट 23 को इन्होंने दो खंडों में विभाजित करके, दो टुकड़ों में विभाजित करके आज सुपर टेट ले रहे हैं। आज बिहार बीपीएससी में BEd वर्सेज GLED का जब केस लंबित था, इनको पता था, इनको भी दो गुटों में इन्होंने विभाजित करके, बिहार सरकार को पता था और ये 6-8 का 44,000 सीट इन्होंने क्यों नहीं दिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक इसके उलट एक साल पूर्व जाके आप देखिए तो आप समझिएगा कि जब उस समय के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार हुआ करते थे तो उस समय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का नोटिफिकेशन आने वाला था, आपको पता होगा साथियों, और उस समय प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश हुआ करते थे और उन्होंने बोला था, लेकिन इसकी सरकार पलटती और महागठबंधन की सरकार में ये जब बैठते हैं तो एक साल लगातार हम लोगों ने ज्ञापन लगाया और लगातार लड़के अभ्यर्थी आंदोलन किए पटना के सड़कों पे, कई बार ट्विटर ट्रेंड भी कराया गया, लेकिन इस बात को समझिए, अप्रैल में ये सुपर टेट के नाम पे एक नया नियमावली लाते हैं और पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को परेशान करने का एक नया इन्होंने ठीकरा फोड़ते हैं, इस बात को समझिए। और बीपीएससी बिहार बोर्ड या जो भी कोई संस्थान है वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की एक बॉडी मात्र है साथियों, इस बात को समझ लीजिए साथियों, नौकरी देने की अधिकार और क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को है, सचिवालय को है, लेकिन सचिवालय में जो भी आला अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी को गुमराह करते आए हैं, आज तक उनको बरगलाते रहे हैं। आज जितने भी कोचिंग संस्थान वाले हैं वो फैक्ट टू फैक्ट अब बात करना शुरू कर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज जितने भी कोचिंग संस्थान के जो भी संस्थापक हैं, बड़े बड़े संस्थापक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप में वाकई दम है तो सरकार से सवाल कीजिए, सरकार से सवाल का जवाब मांगिए। आज जो पूरे बिहार का अभ्यर्थी इस तरह से डिप्रेशन में जा रहा, आज पूरा सीटेट का अभ्यर्थी, बीटेट का अभ्यर्थी, बीएड के अभ्यर्थी, चाहे वो डीएलएड के अभ्यर्थी, जिस तरह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की भी सरकार है, उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही नीतीश कुमार जी की है, उसकी सबसे बड़ी जवाबदेही तेजस्वी यादव जी की है। शिक्षा मंत्री का तो औचित्य ही नहीं है, शिक्षा मंत्री का तो कुछ चलता ही नहीं है बिहार के अंदर में साथियों, इस बात को समझिए साथियों। और ये बात हम बोला करते थे जब हम सुप्रीम कोर्ट, जब हम हाई कोर्ट में केस किए थे तो हमको भी बोला गया था सुप्रीम कोर्ट मूव कीजिए, लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए देवेश शर्मा बरवा वाला हाल हो गया, BEd संघ के तरफ से अगर शायद उनको आज पेमेंट मिला रहता तो शायद वो केस निश्चित तौर पर जीतते। और हम आपको बता देते हैं साथियों, DLED संघ के तरफ से जो केस लड़ा गया है बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस के साथ लड़ा गया है साथियों, 1,30,00,000 रुपया उनके संघ के पास था और उस संघ ने ये बहुत बड़ा विजय पताका प्राप्त किया है, उनके तरफ से बड़े बड़े वकील खड़े किए गए थे, कपिल सिब्बल
एक नामी ग्रामी वकील हैं, आपको पता है एक इंडिया लेवल पे टॉप मोस्ट वकील में से वो आते हैं। आज अगर हमारे पास भी शायद फंड रहता, मेरा अच्छा बैकअप रहता, तो शायद हम सुप्रीम कोर्ट में इस बिहार बीपीएससी की बहाली को और एस्टेट को, खासकर के एस्टेट 19 को इंसाफ दिलाने के लिए हम लड़ते साथियों। लेकिन सरकार ने जिस तरह से फॉर्म भरवाने के नाम पे, जिस तरह अभ्यर्थियों को गुमराह करने के नाम पे साल दर साल हम लोग के जीवन को खेला है, इस महागठबंधन की सरकार को, खास करके नीतीश कुमार जी को, हम पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेंगे, इनको कभी माफ नहीं कीजिएगा साथियों। एक एक आंसू का बदला लीजिएगा साथियों। ये बात इसलिए कि हम बोल रहे हैं, आज जिस तरह से अतुल प्रसाद जी का, चेयरमैन साहब का ट्वीट आ रहा है कि 1-5 का एग्जामिनेशन होगा, मैं बता दूं एग्जामिनेशन लेके ही आप क्या कीजिएगा, जब बहाली ही नहीं होगी वैसा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा के आप क्या कीजिएगा, उसका ऑथेंटिक ऑथोरिटी ही नहीं रहेगा, वो अवर ही नहीं रहेगा, जब सीटेट की डिग्री ही आपकी वैलिड नहीं रहेगी तो वो डिग्री लेके क्या माथे पे चिपकाएंगे हम लोग, जिस तरह से एस्टेट 19 की डिग्री लेके माथे पे हम लोग चिपकाए, आज एस्टेट 23 ले रहे हैं वो डिग्री लेके माथे पे चिपकाएंगे अभ्यर्थी। साल दर साल आप लोग की सरकार में आप लोग सिर्फ बने रहते हैं, कुर्सी की राजनीति करते हैं और अभ्यर्थियों को मिलता है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी का दंश। आज पूछता है पूरा बिहार, आज पूछता है पूरे बिहार के आम अभ्यर्थी, किसके जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार कौन है, कोई भी सचिवालय का आला अधिकारी, कोई भी मंत्री का अधिकारी, क्यों कोई भी बड़ा नेता क्यों नहीं जवाबदेही अपने ऊपर लेना चाहता है, क्यों आज अभ्यर्थी ही पिसते हैं, क्यों अभ्यर्थियों के दुख और दंश का झेलना पड़ता है, हर मोड़ पे आज अभ्यर्थी ही, हर मोड़ पे अभ्यर्थी ही हारता है। आखिर क्यों नहीं कोई सरकार हारती है, क्यों नहीं कोई सिस्टम हारती है, आज हर चीज का दर्द और दंश बिहार के अभ्यर्थी ही क्यों झेलते हैं, मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से, मेरा सवाल वही है। आज हम लोग के जीवन को 4 साल इन्होंने बर्बाद कर दिया, शिक्षक बहाली के नाम पे, बीपीएससी के नाम पे। मैं बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से यह सवाल करता हूँ, मैं माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक जी से यह सवाल करना चाहता हूँ, आखिर बिहार के अभ्यर्थी को ही ये दंश क्यों झेलना पड़ता है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं, आप लोग नौकरी देने के नाम पे, कहीं ना कहीं बीपीएससी के नाम पे, कभी कोई नया आयोग के नाम पे, यही खिलवाड़ करते रहे हैं आप लोग। जीवन क्या हम लोगों के साथ आपने खेला है, पूरे बिहार का कोई भी अभ्यर्थी इस चीज को कभी माफ नहीं करेगा। मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से, मैं आपके अपने भाई के नाते, मैं आपके इस दर्द के नाते मैं बोल रहा हूं साथियों। और जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि तुम बीजेपी के लोग हो, तुम आरजेडी के लोग हो, तुम जो जदयू के लोग हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, ना मैं कोई पार्टी पॉलिटिक्स से हूं, ना कोई राजनीतिक दल का मैं सदस्य रहा हूं, मैं एक अभ्यर्थी हूं और सर्वप्रथम मैं शिक्षक अभ्यर्थी हूं, और शिक्षक अभ्यर्थी की मांग और मुद्दाओं के साथ मैं हमेशा रहता हूं और हमेशा रहूंगा, इस बात को समझ लीजिए। इस सरकार से और सिस्टम से मैं सवाल करता रहूंगा, भले मेरे जीवन की अंतिम इच्छा तक हमारी नौकरी, जहां तक हमारी नौकरी की बात है, जब तक हम लोग की नौकरी नहीं होगी तब तक ये लड़ाई और संघर्ष चलता रहेगा साथियों, इस बात को याद रखिएगा साथियों। और बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार को खुली चुनौती देने का काम कीजिएगा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में और विधानसभा के इलेक्शन में। इनसे सवाल कीजिएगा कि जीवन का 4 साल आपने बर्बाद कर दिया, डाक बंगला चौराहा हो, चाहे वो गर्दनीबाग का धरना स्थल हो, चाहे वो पटना हाईकोर्ट हो, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे गांधी मैदान हो, हर जगह पे हम लोगों ने आंदोलन किया, और आंदोलन के प्रतिफल पे क्या मिलता है, बिहार बीपीएससी मिलता है, और बिहार बीपीएससी में क्या मिलता है, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का दौर। इस बात को समझ लीजिए, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ये लोग नौकरी नहीं देंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, नौकरी ये लोग नहीं देंगे, नौकरी इनके पास है भी तो नहीं, इनकी कैपेसिटी से बाहर है, बिहार सरकार की वो क्षमता ही नहीं है, इस बात को समझिए। इसलिए आप लोग को समझना होगा साथियों, इस पूरे राजनीतिक गठजोड़ के नेक्सस को समझना होगा, इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा साथियों। और आपका भाई, आपका बंधु इस आवाज को हमेशा से उठाता रहा है, उठाता रहेगा साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे छोड़े जा रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।